आपने अंडे के शेप के तरबूज तो खाए होंगे, क्या आपने स्क्वायर शेप में तरबूज देखे हैं? बिल्कुल, ये स्क्वायर शेप के तरबूज जापान में मिलते हैं। इनको ग्राफिक्स डिजाइनिंग द्वारा इन्वेंट किया गया था ताकि इनको फ्रिज में आसानी से रखा जा सके। आपको ये स्क्वायर शेप के तरबूज के बारे में जानकर कैसा लगा? मदर इन लॉ टंग प्लांट का नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन ये पौधा किस काम का है? यह पौधा घरों में, ऑफिस में लगा सकते हैं, वो भी जीरो मेंटेनेंस में। यह पौधा पॉल्यूशन को कम करता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। इसकी पत्तियों पे वैक्स की रूटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी और खाद की ज़्यादा मात्रा देने की जरूरत भी नहीं होती। इसके पत्तों को काट कर लगाया जा सकता है। इन पत्तियों के किनारे काफ़ी तीखे होते हैं, इसलिए इसे मदर इन लॉ टंग कहा जाता है। ये प्लांट रात में बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तभी ये प्लांट काफ़ी कम आता है। इसका ऑक्सीजन लेवल 83% तक रहता है। अगर कमरे में 6 से 8 प्लांट रख दिए जाएं, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है और इसे बेडरूम प्लांट भी कह सकते हैं। आपने शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज का यूज़ तो काफ़ी किया होगा, ये मैसेज आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। हाल ही एक ऐसा ही शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज जिसको खरीदने की बोली लगी है, वो भी 1.71 करोड़ रुपये की। ये दुनिया का पहला मैरी क्रिसमस SMS है जो नीलम हो रहा है। एक्चुअल में 3 दिसंबर 1992 को ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पेपवर्थ ने अपने दोस्त रिचर्ड को कंप्यूटर से फ़ोन पर यह मैसेज भेजा था। अब 29 साल बाद फ्रांस में 21 दिसंबर यानी कि आज ही नीलम होने जा रहा है। वर्चुअल टोकन के रूप में इसकी नीलामी होगी। नील ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मैसेज का लोग कभी यूज़ भी करेंगे। जापान के PM के लिए बना सरकारी आवास जहाँ PM खुद रहना नहीं चाहते, क्योंकि इस आवास को भूतिया आवास घोषित किया गया है। लेकिन हाल ही में बने नए PM फोमियो किशिदा इस आवास में रह रहे हैं। इस भूतिया आवास के पीछे की स्टोरी आखिर है क्या? 1923 में इस आवास को बनाया गया था और 1932 में एक नेवी ऑफिसर ने इस आवास में घुसकर उस समय के PM इनुकाई की हत्या कर दी थी और 1936 में गोलीबारी में 5 लोग मारे गए थे। इस आवास में आखिरी बार PM योशीहिदे नोदा 2012 तक रहे। बाद में PM बने शिंजो आबे अपने प्राइवेट आवास पर रहते थे। 2005 में यहाँ तांत्रिक को बुलाकर झाड़फूंक भी करवाया गया था। इस आवास की बात करें तो 55,000 स्क्वायर फीट में बने इस आलिशान हाउस का सालाना खर्चा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अमेरिकी आर्किटेक्ट फ्रैंक राइट ने इसे डिज़ाइन किया था। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 9 घंटे लगते हैं, स्टूडेंट लेट ना हो, इसके लिए ट्रेन, फ्लाइट्स और ट्रैफिक को रिशेड्यूल किया जाता है। सरकारी ऑफिसेज, बैंक और स्टॉक मार्केट को 1 घंटे के बाद खोलते हैं। स्टूडेंट को पुलिस की गाड़ी और बाइक से पहुंचा जाता है ताकि एग्ज़ाम में टाइम से पहुंचे। हर साल इसमें 5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं कर सकता। फेल होने वाले स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं और बाद में सुसाइड भी करते हैं। ये एग्ज़ाम में साउथ कोरिया का सुने यूं, जिसमें पास होने का फ्यूचर बेस्ट माना जाता है, और इसमें पास होने के बाद शादी के काफ़ी ऑफर भी आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।